नमस्कार, सीईसी ऑनलाइन कक्षा में आप सभी का स्वागत है। मैं डॉक्टर श्रुति टंडन, सहायक आचार्य राजकीय मीरा कन्या महाविद्यालय उदयपुर से एक बार पुनः आप सभी के लिए वीडियो लेकर उपस्थित हूँ। सामाजिक अनुसंधान, जिसमें हमने बात करी कि अनुसंधान जब सामाजिक घटनाओं के अध्ययन के लिए किया जाता है तो वह सामाजिक अनुसंधान की श्रेणी में आता है। वैज्ञानिक पद्धति का इसमें प्रयोग किया जाता है और निश्चित चरणों से गुजरता हुआ एक अनुसंधान कार्य पूरा होता है। लेकिन अनुसंधान कार्य को पूरा करने में जो महत्वपूर्ण भूमिका तथ्यों के द्वारा निभाई जाती है, सूचनाओं के द्वारा निभाई जाती है, वो क्या है, कैसे एकत्रित होते हैं, क्या उसके स्रोत हैं, उसके बारे में विस्तार पूर्वक चर्चा इस वीडियो में की गई है। यानी कि इस वीडियो में हम तथ्यों पर प्रकाश डालने का प्रयास करेंगे, क्योंकि कोई भी शोध, अनुसंधान, सर्वेक्षण तथ्यों के बगैर संभव नहीं है। तथ्य ही वो आधार बनते हैं जिस पर कोई भी अध्ययन संभव हो सकता है। यानी कि जब तक शोध विषय से संबंधित तथ्यों का संकलन नहीं किया जाता, तब तक शोध कार्य संपूर्ण नहीं होता। सामाजिक अनुसंधान में जब विषय का चुनाव कर लिया जाता है एक अध्ययनकर्ता के द्वारा और उसके पश्चात संबंधित साहित्यों का अध्ययन करने के बाद, उपकल्पना निर्माण के बाद जब प्रक्रिया शुरू होती है अनुसंधान की, तब तथ्यों की भूमिका सामने आती है, सूचनाओं की भूमिका सामने आती है, क्योंकि अध्ययनकर्ता अपने अनुसंधान के लिए सूचनाओं को एकत्रित करता है, तथ्यों को एकत्रित करता है। और तथ्यों को जब तक शोध विषय से संबंधित जो तथ्य हैं, उन्हें निश्चित प्रविधियों के द्वारा काम में लेते हुए एकत्रित करना एक शोधकर्ता के लिए आवश्यक शर्त होती है, क्योंकि उसके बगैर ना ही कोई निष्कर्ष निकाला जा सकता है और ना ही किसी प्रकार के नियमों का ही प्रतिपादन किया जा सकता है। एक अनुसंधान की सफलता इस पर पूर्णतया निर्भर करती है कि किस प्रकार से तथ्यों का संकलन किया गया है। तथ्यों का संकलन ठीक उसी उपमा से समझा जा सकता है कि घर बनाने के लिए ईंट, पत्थर, चूना, बहुत सी ऐसी चीजों की आवश्यकता होती है जिन्हें मिलाकर के घर बनता है, मकान बनता है। घर बनने में भी हम लोगों को सम्मिलित करते हैं, परिवारजनों की अंतर्क्रिया और संबंधों की बात होती है, लेकिन मकान बनाने में भी जिन इकाइयों का प्रयोग होता है उनका व्यवस्थित रूप से मिलन होने पर ही मकान बनता है। ठीक उसी प्रकार से अनुसंधान के लिए आवश्यक है कि वहां पर भी तथ्यों का संकलन निश्चित प्रविधियों का प्रयोग करते हुए किया जाए। और शायद इसीलिए ये कहा गया है कि तथ्य संकलन के लिए शोधकर्ता में अवलोकन की चेतना का होना आवश्यक है। जी हाँ, बहुत ही सावचेती से, सावधानी से अवलोकन करते हुए तथ्यों का संकलन एक शोधकर्ता करता है, क्योंकि इसी के आधार पर ही संपूर्ण अनुसंधान कार्य निर्भर होता है। तो बेहद आवश्यक है कि शोधकर्ता तथ्यों का संकलन करते समय, अवलोकन का प्रयोग करते समय बहुत ही सावधानी का प्रयोग करें। वैज्ञानिक शोध के लिए तथ्यों का विश्वसनीय होना बहुत आवश्यक है। कभी भी एक अनुसंधानकर्ता मन चाहे ढंग से तथ्यों का संकलन नहीं कर सकता। अध्ययन विषय से संबंधित, उन पक्षों से संबंधित जिस पर वो अध्ययन कर रहा है, वैज्ञानिक ढंग से जब तथ्यों का संकलन करता है एक अध्ययनकर्ता, एक शोधकर्ता, तभी जाकर के वो अपनी शोध को एक दिशा या गति दे सकता है। और चूंकि तथ्यों का विश्वसनीय होना एक अनुसंधान के लिए आवश्यक है, तो इस विश्वसनीयता को बनाए रखने के लिए शोधकर्ता वस्तुनिष्ठता के साथ तथ्यों का संकलन करता है, बिना किसी पूर्वाग्रह के, बिना किसी पक्षपात के, बिना इस भावना के कि उसे अपनी उपकल्पना को सही ही सिद्ध करना है। जब एक अध्ययनकर्ता तथ्यों का संकलन करता है तभी वह वस्तुनिष्ठता को प्राप्त होता है। इसीलिए तथ्य संकलन के आधार पर ही घटनाओं के कार्य कारण संबंधों का अध्ययन होता है। हम इस बात से बखूबी वाकिफ है कि सामाजिक घटनाएं निश्चित कार्य कारण संबंधों पर आधारित होती हैं। हर सामाजिक घटना के पीछे
कोई ना कोई कारण अवश्य होता है और उस कारण की खोज, उस समस्या के निदान की खोज अनुसंधान के द्वारा की जाती है। इसीलिए ये बेहद आवश्यक है कि एक सफल अनुसंधान के लिए सही यानी वैज्ञानिक ढंग से तथ्यों का संकलन किया जाए। अब जरा जाने कि आखिर तथ्य है क्या। तो तथ्य अमेरिकी कॉलेज शब्दकोश के अनुसार घटना वास्तव में जो घटित हुई है, जो कुछ घटा है, उसे तथ्य के नाम से संबोधित करते हैं। अतः तथ्य का तात्पर्य ऐसी सभी सूचनाओं, सामग्री और उन आंकड़ों से है जो कि क्षेत्रीय कार्य और द्वितीयक स्रोतों के माध्यम से प्राप्त किए जाते हैं। यहाँ दो बातें ध्यान देने की है कि तथ्य जो सामग्री के रूप में जाने जाते हैं या आंकड़ों के रूप में जाने जाते हैं या सूचनाओं के रूप में जाने जाते हैं, उन्हें दो प्रकार से प्राप्त किया जाता है। पहला है क्षेत्रीय कार्य और दूसरा है द्वितीयक स्रोत। क्षेत्रीय कार्य को हम प्राथमिक श्रेणी में रखते हैं और द्वितीयक स्रोत को भी हम तथ्य संकलन का एक माध्यम या स्रोत का तरीका हम मान सकते हैं। इसीलिए तथ्यों को हम जहां से प्राप्त करते हैं वो तथ्य प्राप्ति के स्रोत के अंतर्गत आता है। तो अब तथ्यों का अर्थ जानने के बाद हम बात करते हैं तथ्यों के प्रकार की। तथ्यों के प्रकार को भी दो भागों में वर्गीकृत किया है, प्राथमिक तथ्य और द्वितीयक तथ्य। पहले बात करते हैं प्राथमिक तथ्यों की। तो प्राथमिक तथ्य प्राथमिक इस अर्थ में होते हैं कि उन्हें अनुसंधानकर्ता अपने अध्ययन और उपकरणों की सहायता से प्रथम बार संकलित करता है और उनका निरीक्षण करता है। यानी कि कोई ऐसी घटना घटित हुई जिस पर अनुसंधानकर्ता अध्ययन करना चाहता है और जब अपने अध्ययन को व्यवस्थित करते हुए आगे बढ़ते हुए जब वो तथ्य संकलन करने की ओर बढ़ता है, तो यदि वह क्षेत्र में जाकर के स्वयं अपने अध्ययन को करता है, अपने उपकरणों का प्रयोग करते हुए तथ्यों का संकलन करता है, निरीक्षण करता है, जो अध्ययनकर्ता के द्वारा स्वयं किया जाता है, तो उसे हम प्राथमिक श्रेणी में रखते हैं। यानी कि प्राथमिक तथ्यों का संकलन प्रथम बार शोधकर्ता और उसके सहायकों द्वारा क्षेत्रीय कार्य के आधार पर किया जाता है। प्राथमिक इसी सेंस में ही प्राथमिक है, इसी अर्थ में ही प्राथमिक है कि वो प्रथम बार स्वयं शोधकर्ता के द्वारा एकत्रित होते हैं और उन तथ्यों को प्राप्त करने के लिए शोधकर्ता स्वयं क्षेत्र में जाता है और क्षेत्र में जाकर के तथ्यों का संकलन करता है और इसी आधार पर जो संकलन करके स्वयं जाकर के अपने अध्ययन और उपकरणों की सहायता से तथ्यों का संकलन किया जाता है, वह प्राथमिक तथ्यों की श्रेणी में रखा जाता है। अब बात करते हैं हम द्वितीयक तथ्यों की। द्वितीयक तथ्य वे होते हैं जिनका एकत्रीकरण शोधकर्ता स्वयं नहीं करता, यानी कि शोधकर्ता के द्वारा वहां जाकर के, यानी कि क्षेत्र विशेष में जहां पर ये घटना कोई घटी हो जिसका वो अध्ययन कर रहा है या समस्या के लिए जो उसने उतने उत्तरदाताओं का चुनाव किया है वहां जाके अध्ययन कर रहा है, वो शोधकर्ता के द्वारा स्वयं नहीं किया गया हो परंतु किसी अन्य अध्ययन हेतु संस्था द्वारा संकलित सामग्री का उपयोग किया जाता है। यानी कि किसी दूसरे के द्वारा जो तथ्यों का संकलन किया गया है और उसके, चाहे वो व्यक्ति है चाहे वो संस्था है, उसके द्वारा जो तथ्यों का संकलन किया गया है उसका प्रयोग जब एक अनुसंधानकर्ता अपने अध्ययन के लिए करता है तो वह द्वितीयक स्रोत की या द्वितीयक तथ्यों की श्रेणी में आते हैं। ये द्वितीयक इस अर्थ में है क्योंकि यहाँ पर शोधकर्ता स्वयं नहीं जाता है तथ्यों का संकलन करने के लिए, बल्कि दूसरों के द्वारा एकत्रित किए गए तथ्यों के आधार पर अपने अध्ययन को प्रभावी बनाने का या उनको जोड़ने का प्रयास करता है जिससे उसके अध्ययन को आधार मिलता है। इस सामग्री या तथ्यों का उपयोग करने वाला इसके क्षेत्रीय संकलन से संबंधित नहीं होता है। यानी कि अध्ययनकर्ता स्वयं क्षेत्र में जाके जब अध्ययन नहीं करके तथ्यों का संकलन दूसरों के द्वारा जो किया गया है
उसे अपने अध्ययन में प्रयुक्त करता है तो उसे हम द्वितीयक तथ्यों की श्रेणी में रखते हैं। प्राथमिक और द्वितीयक अर्थ जानने के बाद प्राइमरी और सेकेंडरी के जब अर्थ को हमने समझा कि किनको हम प्राइमरी फैक्ट्स कहते हैं, डेटा कहते हैं, और किनको हम सेकेंडरी डेटा कहते हैं, उसको जानने के बाद अब हम बात करते हैं कि किस तरीके से इन दोनों में अंतर को और ज्यादा स्पष्ट किया जा सकता है। तो प्राथमिक और द्वितीयक तथ्य सापेक्ष है। जी हाँ, देखिए जब अध्ययनकर्ता स्वयं जाकर के अध्ययन कर रहा है तो उसके लिए तो वो प्राथमिक तथ्य हो गए। तथ्यों का संकलन एक अनुसंधानकर्ता स्वयं क्षेत्र में जाकर के कर रहा है तो वो प्राथमिक तथ्य एकत्रित कर रहा है। लेकिन जब उसी प्राथमिक तथ्यों का प्रयोग दूसरे व्यक्ति के द्वारा उसके अध्ययन को आधार मान के किया जाता है तो वो द्वितीयक बन जाता है। यानी कि जब व्यक्ति स्वयं जाकर के अध्ययन करके तथ्यों का संकलन कर रहा है, डेटा कलेक्शन कर रहा है, तो उसके लिए वो प्राथमिक है, और जब दूसरा ही उसका प्रयोग कर रहा है तो वो उसके लिए सेकेंडरी है। यानी कि ये सापेक्ष है कि फैक्ट्स डेटा किसी के लिए प्राथमिक होते हैं, वही डेटा किसी दूसरे के लिए सेकेंडरी बन जाता है। प्राथमिक तथ्यों को द्वितीयक तथ्यों की तुलना में अधिक मौलिक माना जाता है, और इसका कारण भी स्पष्ट है कि उसकी मौलिकता निर्भर करती है जब अध्ययनकर्ता स्वयं जाकर के तथ्यों का संकलन करता है, प्राथमिक तथ्यों को प्राप्त करने के लिए, कलेक्ट करने के लिए। इसलिए वे अधिक मौलिक समझे जाते हैं, क्योंकि अध्ययनकर्ता स्वयं वहां जाता है जहां घटना घटित हुई है, स्वयं निरीक्षण करता है और अपने आधार पर ही अपने उपकरणों का प्रयोग करते हुए, पद्धति वैज्ञानिक का प्रयोग करते हुए वो अध्ययन के द्वारा तथ्यों का संकलन करता है। और शायद इसीलिए ये कहना गलत नहीं होगा कि प्राथमिक तथ्य द्वितीयक तथ्यों की तुलना में अधिक विश्वसनीय होते हैं, उन पर जल्दी विश्वास किया जाता है। और अधिक विश्वास इसलिए किया जाता है क्योंकि वहां काल्पनिक कोई भी जगह नहीं है काल्पनिक बात करने की या तथ्यों का संकलन करने की। प्राथमिक तथ्य क्षेत्रीय कार्य के आधार पर प्रथम बार एकत्रित किए जाने के कारण नवीन होते हैं, क्योंकि उसे अनुसंधानकर्ता उसी समय ही एकत्रित करता है जब वह तथ्यों का संकलन करने के लिए, अध्ययन को आगे बढ़ाने के लिए जाता है। जबकि द्वितीयक तथ्य पूर्व में किए गए अन्वेषणों के अंतर्गत आते हैं, यानी पहले किसी व्यक्ति के द्वारा जो कार्य किया गया है जब एक अनुसंधानकर्ता उसका प्रयोग करता है तो वह द्वितीयक यानी कि सेकेंडरी डेटा के रूप में प्रयोग में किए जाते हैं। प्राथमिक तथ्य शोधकर्ता के स्वयं के निर्देशन में एकत्रित किए जाते हैं, जबकि सेकेंडरी डेटा द्वितीयक तथ्य अन्य के द्वारा एकत्रित और उपयोग किए हुए होते हैं। ये कुछ मूलभूत आधार है जिनके ऊपर हम प्राथमिक और द्वितीयक तथ्यों में अंतर देख सकते हैं। हालांकि दोनों ही तथ्य महत्वपूर्ण होते हैं एक अनुसंधानकर्ता के लिए, क्योंकि इन दोनों के ही आधार पर उसका अध्ययन आगे बढ़ता है और संपूर्णता को प्राप्त करता है। परंतु आवश्यकता अनुसार एक अध्ययनकर्ता इस बात को निर्धारित करता है कि अपने अध्ययन के लिए उसे किस प्रकार से प्राथमिक स्रोतों का प्रयोग करना है डेटा कलेक्शन के लिए, या फिर सेकेंडरी सोर्सेस का प्रयोग करना है डेटा कलेक्शन के लिए। तो इस प्रकार से तथ्यों का अर्थ जानने के बाद और प्राथमिक और द्वितीयक तथ्यों में अंतर करने के बाद अब हम बात करते हैं इनके स्रोत की, कि किन्हें हम प्राथमिक स्रोत के रूप में जानते हैं और किन्हें हम द्वितीयक स्रोत के रूप में जानते हैं। देखिए, रिसर्च के दौरान, या यूं कहूं कि रिसर्च संपूर्ण करते हुए, अनुसंधान संपूर्ण करते हुए, एक अनुसंधानकर्ता, एक शोधकर्ता तथ्यों का संकलन करता है, डेटा का कलेक्शन करता है, और इस डेटा के कलेक्शन के लिए उस समस्या से संबंधित या उस विषय से संबंधित जिस पर वो अध्ययन कर रहा है उससे संबंधित लोगों से अपने विषय से संबंधित प्रश्न पूछता है और उनके आधार पर, उन उत्तरों के आधार पर अपनी रिसर्च को आगे बढ़ाता है। इसलिए कई बार हम एक सामान्य शब्दावली के रूप में फैक्ट्स का भी प्रयोग करते हैं और डेटा का भी प्रयोग करते हैं,
लेकिन ध्यान देने की बात यह है कि सोशल रिसर्च में इन दोनों को हम समानार्थी नहीं कह सकते। इनमें बहुत ही बारीक अगर हम ये देखें कि अंतर है तो उसे स्वीकार करना पड़ता है कि जब हम रिसर्च की बात करेंगे तो वहां एक व्यक्ति के विचार की बात नहीं है, इसीलिए वहां पर हम फैक्ट नहीं कह सकते हैं। लेकिन जब हम रिसर्च में बहुत अधिक लोगों से संपर्क करते हुए अपने विषय से संबंधित प्रश्नों के उत्तर प्राप्त करते हैं तो वो डेटा कहलाता है, यानी कि उसे हम तथ्य संकलन के प्रक्रिया के तहत स्वीकारते हैं। इसलिए फैक्ट और डेटा को हम एक साथ कहने में भले ही प्रयोग करते हैं, लेकिन इनमें इतना बारीक अंतर है कि इन दोनों का प्रयोग बहुत सावधानी से करना चाहिए। व्यक्तिगत रूप में हम भले फैक्ट एक व्यक्ति से उसके विचारों के रूप में ले सकते हैं, लेकिन जब हम रिसर्च की बात करते हैं तो रिसर्च में अनुसंधान में डेटा कलेक्शन वृहद स्तर पर किया जाता है, जहां पर हम उत्तरदाताओं से अपने विषय से संबंधित जो प्रश्न पूछ रहे हैं उनके आधार पर तथ्यों का संकलन करते हैं। इसलिए फैक्ट और डेटा का विशेष प्रयोग करते समय ध्यान रखने की आवश्यकता होती है। अब हम आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं तथ्य के स्रोत के विषय में। तो श्रीमती पीवी यंग ने मोटे तौर पर इसे विभाजित दो भागों में किया है। पहले उन्होंने बात करी है प्राथमिक और क्षेत्रीय स्रोत की। प्राथमिक और क्षेत्रीय प्राइमरी सोर्सेज, जैसा कि नाम अपने आप में ही स्पष्ट कर रहा है कि इसमें एक अनुसंधानकर्ता स्वयं क्षेत्र में जाकर के प्राथमिक रूप से उत्तरदाताओं से संपर्क स्थापित करके उत्तरदाताओं के द्वारा बातचीत के किस भी आधार पर जो प्रक्रिया का प्रयोग कर रहा है तथ्यों का संकलन करता है। चूंकि वह स्वयं जाकर के तथ्यों का संकलन कर रहा है, इसलिए इसे प्राथमिक श्रेणी में या प्राथमिक और क्षेत्रीय स्रोत के रूप में जाना जाता है। इसके अंतर्गत दो तरीके रहते हैं जिससे कि आप अध्ययन उत्तरदाता से अध्ययन के लिए अपने उत्तरों को प्राप्त कर सके। पहला है डायरेक्ट, जिससे हम सीधे उनसे संपर्क स्थापित करते हैं, प्रत्यक्ष रूप से संपर्क स्थापित करते हैं, और दूसरा है इनडायरेक्ट, यानी कि अप्रत्यक्ष रूप से। जब हम डायरेक्ट सोर्स की बात करते हैं तो उसमें प्रत्यक्ष निरीक्षण और अवलोकन की बात आएगी, उसमें अनुसूची की बात आएगी और उसमें साक्षात्कार की बात आएगी, क्योंकि इसमें उत्तरदाता और अनुसंधानकर्ता आमने सामने की स्थिति में होते हैं। लेकिन हम इनडायरेक्टली भी डेटा कलेक्शन में प्रश्नावली का प्रयोग करते हैं और उसे भी हम इस श्रेणी में रखते हैं। अवलोकन, जिसे अंग्रेजी में ऑब्जर्वेशन कहा जाता है, जिसके बारे में हम आगे के वीडियोस में विस्तार से और चर्चा करेंगे, लेकिन यहाँ मैं ये कहना चाहती हूँ कि बहुत सावधानी से अनुसंधानकर्ता को तथ्य संकलन के लिए प्रयोग करना होता है अवलोकन का, निरीक्षण का। या तो वह उस समूह का जिसका वो अध्ययन कर रहा है उसका संपूर्ण रूप से सदस्य बनकर अध्ययन करता है, या दूर से ही उनकी गतिविधियों को देख करके उन पर अध्ययन करता है। लेकिन इसके द्वारा जो डेटा कलेक्ट किया जाता है वो एक रिसर्चर की रिसर्च को आगे बढ़ाने में सहयोग करता है। प्रश्नावली, जो कि इनडायरेक्ट मेथड है, उसमें उत्तरदाता जो सुदूर क्षेत्र में रहता है, जिससे अनुसंधानकर्ता रिसर्चर डायरेक्टली बात मतलब जाके उससे मिल नहीं पाता है, ऐसी स्थिति में वो अपने शिक्षित उत्तरदाता को प्रश्नावली से प्रश्नों की एक सूची बना करके डाक द्वारा भेजता है और इस बात पर विश्वास उनसे प्राप्त करने के पश्चात कि वह उसे भरकर वापस भेजेंगे, अपने अध्ययन को आगे बढ़ा सकता है। अनुसूची, जिसे अंग्रेजी में शेड्यूल कहते हैं, प्रश्नों की एक सूची है जिसको अनुसंधानकर्ता स्वयं अपने संग रखता है, या तो वो स्वयं या उसके संग सपोर्ट में जो लोग उसके संग काम करते हैं उनको वो देता है, और डायरेक्टली उत्तरदाता से, रिस्पोंडेंट से संपर्क स्थापित करके वह उस प्रश्नों की सूची में जो प्रश्न लिखे हुए होते हैं उन्हें भरता है। और साक्षात्कार, जैसा कि नाम अपने आप में ही विदित है, इंटरव्यू फेस टू फेस सिचुएशन में तथ्य संकलन के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण स्रोत का कार्य करता है, और जिसके द्वारा ना सिर्फ वर्बल बल्कि नॉन वर्बल कम्युनिकेशन भी हेल्पफुल होता है डेटा कलेक्शन के लिए। इस प्रकार से अनुसंधान में प्राथमिक स्रोत की बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका रहती है।
क्योंकि उसके कुछ गुण विशेष हैं जिनके बारे में भी हम बात कर लेते हैं। तो प्राथमिक स्रोत में लचीलेपन का गुण अधिक देखने को मिलता है, क्योंकि अनुसंधानकर्ता स्वयं क्षेत्र में जाकर के प्रथम बार प्राथमिक तथ्यों को एकत्रित करता है, इसीलिए वह लचीलापन उसमें पाया जाता है। स्थिति अनुरूप निर्णय लेकर के उत्तरदाता से संपर्क स्थापित करके अनुसंधानकर्ता अपने प्रश्नों के उत्तर प्राप्त करता है, तथ्यों का संकलन करता है। ये व्यापक क्षेत्र के अध्ययन के लिए भी उपयुक्त है, और इसके द्वारा चूंकि क्षेत्र में जाकर के अनुसंधानकर्ता द्वारा स्वयं अध्ययन किया जाता है, इसलिए तथ्य अधिक यथार्थ होते हैं और विश्वसनीय होते हैं। क्योंकि इसका प्रयोग करते समय जब आमने सामने की स्थिति में उत्तरदाता और प्रश्नकर्ता होते हैं, तो आंतरिक और गुप्त सूचनाओं का संकलन भी संभव होता है, जिसे एक उत्तरदाता तभी शेयर करता है, तभी साझा करता है, जब उसे अनुसंधानकर्ता पर विश्वास होता है कि उसके द्वारा दी गई सूचना को गुप्त रख करके अध्ययन के लिए ही मात्र प्रयोग में किया जाएगा और उसका नाम भी उजागर नहीं होगा। इसके द्वारा प्रामाणिक निष्कर्षों तक पहुंचना संभव होता है, साथ ही साथ समय और धन की भी बचत संभव हो जाती है प्राथमिक स्रोत का प्रयोग करते समय। लेकिन इसके कुछ दोष भी ध्यान रखने के लिए महत्वपूर्ण है, जिनके बारे में अब हम बात करते हैं कि प्राथमिक स्रोतों के प्रयोग में कई बार पक्षपात की संभावना देखने को मिलती है। उत्तरदाता चाहे अपने बारे में बता रहा हो या प्रश्नकर्ता अध्ययनकर्ता अपना मन चाहा उत्तर प्राप्त करना चाह रहा हो, दोनों ही स्थिति में ये संभव है कि पक्षपात देखा जा सकता है। यहाँ और पक्षपात की जब बात आती है तो अपने आप अध्ययन में वस्तुनिष्ठता की कमी हो ऐसा संभव है, जिसके कारण से तथ्यों की जो स्वाभाविकता है उसे नष्ट होने का खतरा होता है। ऐतिहासिक विधि द्वारा अध्ययन संभव नहीं है, क्योंकि इसमें तथ्य संकलन प्राथमिक प्रथम बार क्षेत्र में जाकर के किया जा रहा है, तो पुरानी घटनाओं का अध्ययन इस विधि के द्वारा हम नहीं कर सकते हैं जो घट चुकी होती है। और अध्ययनकर्ता में प्रशिक्षण का यदि अभाव है तो भी पक्षपात की संभावना देखने को मिलती है। इसमें अधिक मानव शक्ति और समय की आवश्यकता होती है, इस प्रकार का दोष भी देखा जाता है। देखिए, अध्ययन करना, रिसर्च करना कोई सरल काम नहीं है, बहुत ही बारीकी चरणों से इसमें गुजरना होता है। इसलिए रिसर्चर के लिए बहुत आवश्यक है कि वह निष्कर्ष तक पहुंचते हुए निष्पक्ष रहे, और इसीलिए आवश्यक होता है कि उसे इस प्रकार का प्रशिक्षण मिले कि उसे किस प्रकार से तथ्यों का संकलन करना है, किस प्रविधि का प्रयोग करना है, किस विधि से आगे बढ़ना है तथ्यों का संकलन करते हुए, ताकि उसके द्वारा प्राप्त तथ्य यथार्थ हो, विश्वसनीय हो और निष्कर्ष तक पहुंचने में उसकी मदद करते हैं। अब हम बात करते हैं द्वितीयक या प्रलेखीय स्रोत के बारे में। द्वितीयक सेकेंडरी, जैसा कि नाम अपने आप में ही बता रहा है कि इसे अध्ययनकर्ता स्वयं जाकर के क्षेत्र में तथ्यों का संकलन नहीं करता है, बल्कि हम द्वितीयक स्रोतों से यानी सेकेंडरी सोर्सेस से, जो कि पहले किसी और के द्वारा एकत्रित किए गए होते हैं, उसके द्वारा हम अपने अध्ययन में उन्हें जोड़ करके अध्ययन को और अधिक व्यवस्थित बनाने का प्रयास करते हैं। इसके अंतर्गत हम बात करते हैं व्यक्तिगत प्रलेख की। व्यक्तिगत प्रलेख के अंतर्गत वह संपूर्ण लिखित सामग्री आ जाती है जो एक व्यक्ति अपने स्वयं के बारे में या सामाजिक घटनाओं को एक विशेष दृष्टिकोण से देख समझ कर प्रस्तुत करता है, क्योंकि हर व्यक्ति का अपना एक्सपीरियंस होता है, हर व्यक्ति का एक परिपेक्ष होता है, और वो एक ही घटना को किस ढंग से देख रहा है ये डिपेंड करता है, निर्भर करता है। इसीलिए आवश्यक है कि जिस समय हम व्यक्तिगत प्रलेख का प्रयोग करते हैं तो मात्र उस व्यक्ति के जिसका हमने प्रलेख का प्रयोग किया है, डॉक्यूमेंट का प्रयोग किया है, उसके अनुसार उस घटना का क्या परिपेक्ष है उसकी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। जिसके अंतर्गत हम प्रयोग करते हैं पत्र का, डायरी का, जीवन इतिहास या संस्मरण का। देखिए, पत्र यानी लेटर की जब बात आती है तो बहुत ही सेंसिटिव मैटर होता है,
जिसमें व्यक्ति अपने मन की सारी बातें लिख करके भावों को उड़ेल रखते ऐसी संभावना होती है। यही बात डायरीज में भी होती है कि व्यक्ति अपने अनुभवों के आधार पर अपनी डायरी में अपने संग घटित हुई घटना को या किसी व्यक्ति के बारे में विचार को आराम से लिखता है। जीवन इतिहास या तो आत्मकथा के रूप में या जीवन चरित्र के रूप में देखने को मिलता है। जिसे दूसरा व्यक्ति लिखता है वह जीवन चरित्र है और आत्मकथा व्यक्ति के द्वारा स्वयं अपने जीवन के बारे में लिखी गई होती है। ठीक उसी प्रकार से अपने जीवन के संस्मरण मेमोरीज जब व्यक्ति लिख करके रखता है तो उसका भी प्रयोग यदि एक रिसर्चर के द्वारा अनुसंधानकर्ता के द्वारा अपने अध्ययन के लिए किया जाता है तो वह सेकेंडरी सोर्स या द्वितीयक स्रोत के रूप में जाना जाता है। लेकिन ध्यान देने की बात यह है कि ये बहुत ही सेंसिटिव होते हैं, इनकी प्राप्ति भी इतनी सरल नहीं होती है और सबसे बड़ी बात यह है कि किसी की गुप्त सूचना भी हम तक तभी संभव है मिल पाना जब इन्हें कोई साझा करने के लिए तैयार होता है। अब बात करते हैं पब्लिक डॉक्यूमेंट की। तो सार्वजनिक प्रलेख वो होते हैं जो किसी सार्वजनिक हित को ध्यान में रखकर सरकारी या गैर सरकारी संस्था के द्वारा तैयार किए जाते हैं। ये अधिक विस्तृत और विश्वसनीय होते हैं, लेकिन ये भी दो प्रकार से देखने को मिलते हैं, प्रकाशित प्रलेख या फिर अप्रकाशित प्रलेख। प्रकाशित प्रलेख, जैसा कि नाम अपने आप में ही बता रहा है, जो पब्लिश हो चुके हैं, जिसकी इंफॉर्मेशन बाहर आ चुकी है, रिवील हो चुकी है, लोगों तक पहुंच चुकी होती है, जैसे कि शोध संस्थाओं के प्रतिवेदन, उनकी रिपोर्ट्स जो आती हैं शोध संस्थाओं की कि क्या क्या काम हुआ है, किस तरीके से काम हुआ है, या व्यक्तिगत शोधकर्ताओं के प्रकाशन। आपकी रिसर्च जब पब्लिश होती है तो वो भी मार्केट में आने के बाद लोगों की मदद करती है, अध्ययन को आगे बढ़ाने में उनकी सहयोग प्रदान करती है। समिति और आयोगों के प्रतिवेदन या अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के प्रकाशन, पत्र और पत्रिकाएं, इन सब को हम प्रकाशित प्रलेखों की श्रेणी में रखते हैं। अप्रकाशित प्रलेख की जब बात आती है तो उसके अंतर्गत वो पब्लिश नहीं है किसी भी कारण से, तो उसके अंतर्गत हम अभिलेखों को रखते हैं, अनुसंधानकर्ताओं के प्रतिवेदन को रखते हैं, पांडुलिपि को रखते हैं, अप्रकाशित लोकगीत, शिलालेख और लोक गाथा को रखते हैं। इस प्रकार से जो कि प्रकाशित हैं वो भी हमारे द्वितीयक स्रोत का काम करते हैं और जो अप्रकाशित हैं वो भी द्वितीयक स्रोत का काम करते हैं एक अनुसंधानकर्ता के लिए। निर्भर इस बात पर करता है अनुसंधानकर्ता कि उसके अध्ययन का विषय क्या है और उसे किस प्रकार के स्रोत की आवश्यकता है। हालांकि दोनों ही प्रकार के स्रोत बहुत ही महत्वपूर्ण है। पीवी यंग के अनुसार इस प्रकार की सामग्री का लाभ ये है कि इसके द्वारा सही प्रश्नों को पूछने में मदद मिलती है, विधियों के चयन करने में भी मदद होती है, प्राकल्पता के निर्माण और परीक्षण में भी मदद मिलती है और शोध कार्य के दौरान अनावश्यक पुनरावृत्ति ना हो इस बात का भी विशेष ध्यान रखा जाता है। इस प्रकार से तथ्यों का संकलन एक महत्वपूर्ण चरण है जो कि शोधकर्ता अपने अध्ययन के दौरान इससे गुजरता है और अपने अध्ययन को संपूर्णता इसी तथ्यों के संकलन के आधार पर देने का प्रयास करता है। बेहद आवश्यक है कि एक अध्ययनकर्ता अपने अध्ययन के लिए निष्पक्ष होकर, पक्षपात रहित होकर के तथ्यों का संकलन करे, चाहे वह प्राथमिक तथ्य हो, चाहे वह द्वितीयक तथ्य हो, चाहे उसका स्रोत प्राथमिक हो तथ्यों के संकलन का या द्वितीयक स्रोत हो। किसी भी प्रकार से जब तथ्यों का संकलन किया जाता है तो वह निष्पक्ष हो, पक्षपात रहित हो, उसके द्वारा ही एक अनुसंधान की सफलता निर्भर करती है। इसीलिए इस बात पर विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है कि तथ्य संकलन किस प्रकार से किया जाता है, जो कि शोध की सफलता के लिए बेहद महत्वपूर्ण चरण के रूप में सिद्ध होता है।